कौन है किसान, क्या करता है किसान, क्यों करता है किसान, किसानी क्या होती है, ये शहरों में रहने वाले नौजवान, शहरों में पढ़ने वाले कारोबारियों के बेटे कभी समझ नहीं सकते। शहर की राजनीति करने वाले, देश के नेताओं के बेटे वंशवाद में जो राजनीति कर रहे हैं, शायद वो किसानों की समस्या नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि किसान कैसे अपनी मेहनत और लगन से ठंडे गर्मी और बरसात में अन्न पैदा करता है, क्यों उसे अन्नदाता कहा जाता है। लेकिन एक किसान का बेटा, एक मेरे जैसे किसान का बेटा, जो बचपन से अपने पिता और अपने दादाजी को किसानी करते हुए देखा है, जिसने खुद बचपन से खेतों में काम करके आज इस लायक हुआ है कि अपनी बातों को जनता तक पहुंचा सके, वो जानता है कि धान की खेती कैसे होती है, कैसे गेहूं की खेती होती है, कैसे सरसों बोया जाता है, कैसे साग सब्जी पैदा की जाती है, किस तरह से इस देश के 135 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए किसान अपने स्तर से मेहनत करता है। मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, सरकार इन पूंजीपतियों के लाभ के लिए इतनी अंधी हो चुकी है कि पिछले 6 महीने से जो आंदोलन किसान कर रहा है उसे दिखाई नहीं पड़ रहा। दिल्ली की सीमाओं पे जो हमारा किसान मजदूर भाई पिछले 60 दिनों से बैठा है, वो अंधी सरकार देख नहीं पा रही। लेकिन जिन किसानों ने अंग्रेजों के गुलामी को तोड़ा, जिन किसानों ने मुग़लों से आज़ादी दिलाई, जिन किसानों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से भगाने का काम किया, आज स्थिति वही है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश से हटाना, इस देश से भगाना आवश्यक हो गया है, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के चंदे पे चलती है और इन्हें जड़ से उखाड़ना बहुत ज़रूरी है। जहां ये कोरोना के नाम पर अरबों खरबों रुपयों का घोटाला कर चुके हैं, वहीं किसान के किसानी और ज़मीन पर भी इनकी गंदी नज़र पड़ी है। इसलिए मैं पूरे देश की जनता से यह आह्वान करता हूँ कि अगर अपने केस, अपने किसान भाइयों के खेतों को अगर बचाना है, अगर किसानी बचानी है, किसान के बच्चे को बचाना है, भारत की भूमि को बचाना है, तो इस बिल को और इस बिल के विरोध में पूरे देश में धरना प्रदर्शन जरूरी है। जनता को भी इसमें कूदना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके भी हक की लड़ाई है, चाहे आप माने या ना माने। नमस्कार, जय हिंद।